हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएससी जे एग्जाम। ये सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम हमने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से लिए हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जे के एग्जाम में, वो बिल्डिंग मटेरियल से पूछा जाता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने जो देखा है एसएससी जे 2013 में आया था, तो द लिंटेल आर प्रीफर टू आर्चेस बिकॉज, लिंटेल उसमें क्यों प्रीफर करते हैं आर्चेस में। आपको लिंटेल पता होगा ना, लिंटेल देखा होगा आपके जो विंडो होती है, विंडो के ऊपर एक लिंटेल लेवल जाता है, आपका डोर है डोर के ऊपर लिंटेल लेवल जाता है। क्यों जाता है लिंटेल लेवल, वो क्यों प्रीफर करते हैं? बिकॉज आर्चेस रिक्वायर मोर हेड रूम्स टू स्पैन द ओपनिंग लाइक डोर विंडो एक्सेट्रा। क्या ये रीज़न है? आर्चेस आर डिफरेंट इन कंस्ट्रक्शन, क्या ये रीज़न है? या आर्चेस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबाउटमेंट विथ टू विथस्टैंड आर्च थ्रस्ट, ये रीज़न है या सभी रीज़न है? हाँ जी दोस्तों, ये सभी रीज़न है लिंटल बनाने का। एक तो लिंटल से क्या होता है कि उसे हमारा जो विंडो होता है उस पर उसके ऊपर लोड कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिक रखना इजी हो जाता है विंडो और डोर के ऊपर। दूसरा क्या होता है कि पहले क्या होता था, लोग मैक्सिमम क्या करते थे, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाते थे। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में अगर लिंटल डाल दिया, तो लिंटल डालने से क्या होता था कि एक मिनट जैसे मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन का शेयर कर बताता हूँ। अब ये हमारा क्या है, जी एल है, और ये क्या है, पी एल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 1 फीट होता है और 6 इंच, 1 फीट 6 इंचेस। एसएससी जेई में एक बार क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, तो 1 फीट 6 इंचेस को वहाँ पर क्या दे दिया गया था, 18 इंचेस। अब आप कंफ्यूज मत हो ना कि 1 फीट 6 इंचेस आपने बताया था सर और 18 इंचेस एग्जाम में आ गया, भाई एक ही है। एंड ये क्या होता है, यहाँ पे आपका वॉल की हाइट होती है, वॉल की हाइट कितनी होती है, 10 फीट होती है। तो 6 इंचेस क्या होती है, इसके स्लैब की हाइट होती है। लिंटल क्या होता है, लिंटल यहाँ पे होता है 7 फीट पे। क्यों होता है लिंटल? लिंटल से क्या होता है कि अभी यहाँ तक आपकी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जा रहा था ब्रिक का, जिसको कोई पकड़ नहीं था, उसको कोई अंदर से कंट्रोलिंग नहीं थी, तो उसके ऊपर से हमने एक लिंटल बीम डाल दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो गया और इजिली इसके ऊपर हम लोग जा सके। सेकेंड रीजन, अब यहाँ पे विंडो है ऐसे, अगर आप उसके ऊपर सीधे ब्रिक रखोगे विंडो के ऊपर, तो सारा लोड किसके ऊपर आएगा, विंडो के ऊपर आएगा, और विंडो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहीं पर डोर है, अब डोर के ऊपर कैसे आप ब्रिक रखोगे, पहले लिंटल बीम डाल देंगे, उसके ऊपर ब्रिक रखना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है उसके ऊपर लोड लेना उसको आसान होता है, अदरवाइज सारा लोड किस पर आएगा, डोर पर आएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पायस, पायस को बनाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा होता है, कौन सा सबसे अच्छा स्टोन होता है, ग्रेनाइट होता है कि लाइम स्टोन होता है कि मार्बल होता है कि सैंड स्टोन होता है? सैंड स्टोन तो इतना स्ट्रांग नहीं होता, मार्बल हम लोग फिनिशिंग के लिए ज़्यादातर देते हैं, लाइम स्टोन जो होता है इसमें लाइम के कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। और ये ग्रेनाइट ही एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। तो आपको याद रखना है कि द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पायस इज ग्रेनाइट। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मेजनरी। अब इसे काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगेंगे, एक क्यूबिक मीटर के लिए या 1 मीटर क्यूब के लिए। दोस्तों देख, कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं, आप इसका आंसर निकालना सीख लो ना, आंसर निकालना सीख लोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिथ मोर्टार आपका जो ब्रिक होता है उसका साइज कितना होता है, बिथ मोर्टार जो आपका ब्रिक होता है उसका साइज कितना होता है? आप बोलोगे सर 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। देखो अगर मैंने ऐसा लिखा है भाई पूरा गलत है, क्यों, पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, तो अगर इसके ये क्या है 20 × 10 × 10 क्या सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.1 करेक्ट है। इसका वॉल्यूम निकाल लो कितना आएगा, 0.002। कितने में,
1 मीटर में कितनी लगेंगी, इस पॉइंट को हटाओ, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा, 2 को काटो इससे, कितना आ गया 500। कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, क्यों भाई आंसर 500 आ रहा है तो ये तो होना ही है 500, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट उसका समझ लोगे यार तो याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो याद कितनी चीजें करोगे, बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको आपको याद ही करना है, तो अच्छा होगा कि इनके कॉन्सेप्ट आप समझ लो। तो कॉन्सेप्ट हमेशा हम लोग जब भी एस्टिमेशन निकालते हैं तो विथ मोटा निकालते हैं, इसलिए ये लेना और ये 500 हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रेक इज इनसुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है, प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रेक इनसुटेबल शेप इज क्या हो सकता है इसके लिए, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया या सिलिका। देखिए सिलिका तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि सिलिका जो पाउडर होता है ये, अच्छा आप सिलिका के बारे में आपको SiO2 जो इसका फॉर्मूला होता है ये सब ज़्यादा किसमें भी होता है, सिलिका और लाइम सबसे मेन इंग्रेडिएंट है किसका, सीमेंट का, आपको याद रखना है, ठीक है। लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO, परसेंटेज आप लाइम कितना लगता है आपके सीमेंट में, 60 to 65। अभी कभी कभी पूछ लेता है सिलिका का परसेंटेज कितना होता है लाइक सीमेंट के अंदर, तो 17 to 25। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका एलुमिना। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रेक इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय एलुमिना, ओके। नेक्स्ट है द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है। अब ये क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछ लिया, कभी कभी क्या पूछ लेता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा। चलिए पहले हमको आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ बता देते हैं फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, तो इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है, सीधे हम आपको आंसर पहले चलते हैं, 10.5 न्यूटन पर mm². कब, आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है आपको, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। सो प्लीज़ याद रखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² में होगा, ठीक है। अब देखिए ये SSC 2013 में आया है, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताओ फर्स्ट क्लास ब्रिक का, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 105 kg/cm², याद रखना kg/cm², बार बार बता रहा हूँ kg/cm², ये किसका है, फर्स्ट क्लास का है, तो सेकंड क्लास का क्या होगा दोस्तों, 70 kg/cm², ये सेम रख लो, मैं माउस से कर रहा हूँ इसलिए लाइक लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो 70 kg/cm², और उसके बाद थर्ड क्लास ब्रिक का कितना होता है, 30 kg/cm², आपने सुना होगा फायर ब्रिक, तो फायर ब्रिक का कितना होता है भाई, सबसे ज़्यादा होता है कितना, 125 kg/cm². अब इसमें से एक क्वेश्चन बनना पक्का है, चाहे इस साल आए चाहे अगले वाले साल में आए, वैसे आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पूछेगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चार में से किसी ने एक तो पूछेगा ना, और आप चारों को याद कर लो, क्या फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना 70, सेकंड क्लास का कितना 30, और थर्ड क्लास का 30 फर्स्ट क्लास का 105 kg/cm², सेकंड क्लास का 70 kg/cm², और थर्ड क्लास का 30 kg/cm², और फायर ब्रिक का 125 kg/cm². मुझे लगता है फायर ब्रिक का क्वेश्चन इस बार हो सकता है। चलिए तो हम लोग इसमें देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम्स, ठीक है। जल्दी से कौन आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को लाइक नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर द यूज ऑफ अर्जेंट रिपेयर्स, जैसे कुछ गड़बड़ हो गया है, जैसे कभी कभी क्या होता है हनीकॉम आ गया, ऐसा कुछ हो गया है, तो लाइक रिपेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिंग कंक्रीट बहुत ढेर सारी क्वान्टिटी में, सच एज लार्ज डैम, डैम के लिए, तो वैसे भी मैं बताऊँ तो डैम के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा सीमेंट किया जाता है, लो हीट सीमेंट, और इमरजेंसी के लिए भी हम लोग इसमें यही लगाएंगे, क्यों, इसकी सेटलिंग टाइम स्लो होती है, अच्छे से प्रिपेयर करके आपके उसको स्ट्रेंथ देता है डैम्स को, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा, लो हीट सीमेंट, ठीक है। तो लो हीट सीमेंट हमेशा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ के लिए यूज होता है, लो हीट सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है डैम्स स्ट्रक्चर के लिए, और ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ की यूज होता है, हाई राइज बिल्डिंग के लिए, लेकिन याद रखना फाउंडेशन के लिए नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये इसमें ना, अगर अगर आप जो सॉइल होती है
उसमें हम लोग इसके सॉइल के साथ ही इंटरेक्ट नहीं करता, ये हाई रेज बिल्डिंग के लिए, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप जो डिजाइन करना चाहोगे उसमें ऑर्डिनरी पोमेंट सीमेंट यूज कर सकते हो, उसके नीचे नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसके नीचे मिट्टी में सिलिका कंटेंट होता है और जहाँ पे सिलिका कंटेंट होता है वहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर पॉलिशिंग मोसेक फ्लोर्स भी यूज, ठीक है, क्या यूज करते हैं उसके लिए, उसके लिए यूज करते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। फॉर 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग्स, प्लास्टरिंग 1:6 ऑन 100 square meter न्यू ब्रिक वर्क्स, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज, कितना रिक्वायर्ड हुआ उसके लिए, 0.343 m³। तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आने वाली है, बताओ क्या प्रॉब्लम ये आने वाली है दोस्तों, कि आप अगर याद करके रखोगे कि 1:6 के मोर्टार में 100 square meter में कितना सीमेंट लगेगा तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। अगर आप इसको निकालना सीख लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो निकालना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद कर लो, क्या, ड्राई वॉल्यूम बाय रेंज, ड्राई वॉल्यूम बाय रेंज इनटू वन, वन क्या है, वन ये वन, ठीक है, रेंज क्या है, 1:6, तो क्या हो गया रेंज 1:6 का, 1:6 मतलब 7। ड्राई वॉल्यूम जो होता है हर रेशियो का अलग होता है, 1:6 का 1.54 आई थिंक होता है, 1.54 आप आईएस कोड में देख लीजिए, 1.54 by 7 into 1, और जो भी यह है उसको निकाल के उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने केजी सीमेंट लगेंगे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो निकालना सीख लो, याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। द बेस मटेरियल फॉर डिस्टम्पर इज, ठीक है, डिस्टम्पर आपको पता होना चाहिए, डिस्टम्पर आपके घरों में यूज होता है, उसके लिए बेस्ट मटेरियल होता है, ओ सॉरी, बेस्ट मटेरियल होता है चार्क। द मोस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट इन सीमेंट इज एज्यूमिंग पी इक्वल टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है, तो कितना टाइम लाइक कितना वाटर एज्यूम करते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए 0.85, याद कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, 0.85 P, ठीक है, पी क्या है यहाँ पे, इक्वल टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। जिप्सम इज यूज इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज, ठीक है, जिप्सम क्या करता है, जिप्सम रिटार्डर होता है भाई, क्यों रिटार्डर होता है, सीमेंट कंटेंट ऐसे होते हैं कि उनको तुरंत जमाया जा सकता है, ठीक है, वो उनको में अगर जिप्सम, जिप्सम क्या करता है, जमने से बचाता है, अगर हिंदी में बात करें जो जमने से बचाता है, ठीक है, मतलब स्लो स्लो जमाता है जिससे उनकी सेटलिंग टाइम इंक्रीज कर सके। अब आप पूछोगे सर सीमेंट का सेटलिंग टाइम क्या होता है, हाँ जी ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सीमेंट का सेटलिंग टाइम पता होना चाहिए, तो उसका मिनिमम टाइम होता है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 10 आवर्स, कितना, 10 आवर्स। आप बोलोगे सर मैंने तो 90 मिनट्स और 24 आवर्स पढ़ा था, भाई वो मोर्टार का होता है, मोर्टार का मिनिमम सेटलिंग टाइम कितना होता है, 90 मिनट्स, और मैं फाइनल सेटलिंग टाइम होता है 24 आवर्स, तो उससे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, जल्दी जल्दी आगे जाते हैं, बट इन सारे को टॉपिक से भी हमको लगता है क्वेश्चन बन सकते हैं। द वुड वर्क शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट कितना, 0.002 m, ठीक है। द एंटी एंटी सिफॉन्स एज पाइप्स इज कनेक्टेड टू, ठीक है, किसको कनेक्ट करता है वो, टॉप ऑफ पी ट्रैप डब्ल्यू सी, ठीक है, टॉप ऑफ पी ट्रैप डब्ल्यू सी। नेक्स्ट है द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फॉर्म, ठीक है, कैसे वर्क करता है, होल टू पार्ट, पूरे पार्ट पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेट ऑफ 1 bag सीमेंट, अब भाई वेट पूछ लिया मतलब जल्दी ही आपसे क्या पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, तो वॉल्यूम कितना होता है, 0.0347 m³, ठीक है, तो वैल्यूम आपसे पूछ सकता है अगर उसने बैग का सीमेंट पूछा है तो, ठीक है। सीमेंट आपको पता है यार, सबको पता होता है कितना, 50 kg, ठीक है, ये 2014 में पूछा था, इस बार मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये पूछ सकता है आपसे। वाटर एडजॉर्प्शन ऑफ ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स, बहुत ईजी है, क्या, 20%। अब आपसे पूछ लिया ब्रिक का, मतलब हो सकता है इस बार किसका पूछ ले दोस्तों, स्टोन का, ठीक है, तो स्टोन का पूछ लेगा तो स्टोन का कितना है,
5% मैक्सिमम व्हाट इज ऑफ स्टोन इज 5%। अगर उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है 24 आवर्स में भाई वो स्टोन मत यूज करना, ठीक है। बसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, तो बसाल्ट स्टोन बाय नेचर क्या वोल कैनिक, ठीक है। ये सब कहाँ से बसाल्ट स्टोन कहाँ से आते हैं, वोल्केनिक वगैरह कहाँ से आते हैं, आपने सुना होगा छोटे क्लासेस में आपके लावा वगैरह होता था ना, लावा फूटता था उसके अंदर से निकलते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट इज, ठीक है, कौन होता है भाई सबसे हेड, चीफ इंजीनियर बनना चाहते हो ना तो पढ़ लो। टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट is necessary to use very fine grain, क्या किसका भाई, ग्रेनाइट का, ठीक है, ग्रेनाइट का सबसे छोटा कंटेंट, ठीक है। अब जैसे ग्रेनाइट का सबसे छोटा कंटेंट पूछ लेते कौन होता है, उसमें ग्रेनाइट होता है। अब आपसे क्या पूछ लेता है, क्ले, क्ले आप सबको पता होगा क्ले का साइज क्या होता है, तो क्ले का साइज हो सकता है इस चीज पर पूछ ले 0.02 to 0.06 mm, ये होता है आपके क्ले का साइज, बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, फॉर द गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज श्रिंकेज, आप बोलोगे सीमेंट सॉरी सर श्रिंकेज क्या होता है, ठीक है। आपके घरों में देखा होगा बहुत ढेर सारे से क्रैक्स हो गए होंगे, ऐसे स्लैब में से क्रैक हो गया होगा, ये भाई ये श्रिंकेज है। श्रिंकेज किसको कहते हैं ये भी पूछ सकता है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मॉइस्चर्स और ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर और मॉइस्चर्स के कारण जो उसके अंदर वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है, इधर आ गया इधर खींच लिया तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, दैट इज श्रिंकेज, ठीक है। तो वही पूछ रहा है ये, फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो द इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाया मतलब कि वाटर को बढ़ा दिया और सीमेंट को बढ़ा दिया और एग्रीगेट आपने कम रखा, मतलब गिट्टी जो आप बोलते हो कम रखा, तो क्या होने वाला है भाई, सीधी सीधी बात है उसमें श्रिंकेज आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो उसमें क्या हो रहा है कि आप वाइट्स कम रखे हैं मतलब ग्रेवल्स कम रखे हैं, तो ग्रेवल्स कम रखे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि ये बाद में क्या होगा यहाँ पे गैपिंग बढ़ने लगेगी, यही गैपिंग बढ़ के तो श्रिंकेज बनाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा श्रिंकेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए रिटार्डर फॉर कंक्रीट, रिटार्डर क्या होता है, एक होता है एस्लेटर जो जल्दी से जमाता है, एक होता है रिटार्डर, जैसे जिप्सम क्या था रिटार्डर था तो धीरे धीरे जमाता है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट, ये अच्छा एक रिटार्डर है, ठीक है। एस्लेटर में अगर पूछ लिया तो कैल्शियम क्लोराइड है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा IS कोड लगता है उसके लिए, IS 3102, ठीक है। अब देखिए अगर 3102 पूछ सकता है इसका मतलब एक IS कोड पूछ सकता है वो, तो कौन सा पूछ सकता है, हो सकता है वो पूछ ले RCC के लिए कौन सा IS कोड यूज करते हैं, सबको पता होना चाहिए IS 456 2000, लाइक स्टील के लिए कौन सा लगता है IS 800 2007, और इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि अर्थक्वेक के लिए, तो अर्थक्वेक के लिए IS 1893 2016, एकदम याद कर जाओ। हो सकता है आपसे पूछ ले डेड लोड 875 पार्ट 1, लाइव लोड 875 पार्ट 2, हो सकता है आपसे पूछ ले विंड लोड 875 पार्ट 3, हो सकता है आपसे पूछ ले स्नो लोड 875 पार्ट 4, हो सकता है आपसे पूछ ले लोड कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा IS कोड यूज करते हैं, तो 875 पार्ट 5, एकदम साथ में ही पूरा सीरीज है 1 to 5। उसके बाद हो सकता है डक्टाइल डिटेलिंग के लिए कौन सा IS कोड यूज करेंगे, तो IS 13920 1993, ये IS कोड अगर आपने याद कर लिया, मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ तो आप चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, तो उसमें आपको पूरा मैंने IS कोड ही समझाया है, तो IS कोड से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि IS कोड तो इंपॉर्टेंट है ना, सिविल इंजीनियर का काम बिना IS कोड का हो ही नहीं सकता। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेशन, जिसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, फिर लाइक 100% तो कोई भी एस्टिमेशन नहीं होता, उसमें 5% का वेरिएशन रहता ही रहता है। Pick up the items of work not included in the plinth area estimation. क्या include नहीं करते plinth में?
कोर्टयार्ड एरिया, कोर्टयार्ड एरिया की जरूरत क्या है भाई, कोर्टयार्ड एरिया क्या खाली रहता है तो उसमें कौन सा तुम प्लिंथ बीम बनाओगे, कोर्टयार्ड समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एरिया हम लोग दे देते हैं यहाँ पे ऐसे करके प्लैंक में, तो वो क्या है उसको हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करना कि उसमें प्लिंथ का कोई काम ही नहीं है। द वन ब्रिक थिकनेस ऑफ वॉल इज रफली इक्वल टू, एक जो ब्रिक होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर या 200 mm। आप बोलोगे सर मैंने तो 230 पढ़ा था। हाँ जी, तो मैंने कहाँ बोला कि 230 नहीं होगा, लेकिन 230 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। आप बोलोगे सर मैंने तो क्या बोलते हैं 9 इंचेस पढ़ा था। हाँ जी, तो वही तो है 9 इंचेस ही है। आप बोलोगे सर सिंगल वॉल के लिए कितना होता है, सिंगल वॉल के लिए 4.5 इंचेस होता है, मतलब एक ब्रिक अगर लगी है वॉल में तो 4.5 इंचेस, अगर दो ब्रिक लगी हुई तो 9 इंचेस। तो आप इसको भी पढ़ लीजिए भाई, आ सकता है, ठीक है। द वर्क कॉस्टिंग 20,000 इज टर्म्स एस, क्या बोलते हैं इसको, पीटी वर्स, बहुत छोटा काम है क्योंकि ये 20,000 सिविल इंजीनियरिंग में समझते ही हो आप लोग। द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एस, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन ही पूछा है कि डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर एक का पूछा 2014 में, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इस साल भी डेंसिटी पूछेगा बट डिफरेंट मटेरियल का। बट पहले मैं आपको सीमेंट का बता दूं, 1440 kg/m³, हो सकता है आपसे बोल दे किलो न्यूटन में, तो 14.4 kN/m³, तो आपको इसमें भी पता होना चाहिए, किसी में भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। अब डेंसिटी पूछ लिया सीमेंट का, आप बोलोगे सर सैंड का नहीं पूछा, भाई सैंड का भी याद कर लो, 1600 to 1800 kg/m³। हो सकता है आपसे स्टील का पूछ ले, स्टील का होता है 7850 kg/m³, ठीक है, स्टील का हो गया आपका। आरसीसी का पूछ सकता है, तो आरसीसी का होता है दोस्तों 2500 kg/m³। पीसीसी का कितना होता है, 2400 kg/m³, ठीक है। तो एक डेंसिटी तो पक्का पूछना है, क्योंकि देखो यार कोरिलेट करके ही क्वेश्चन हमेशा बनाया जाता है, तो एक डेंसिटी एक तो जरूर पूछेगा। द डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन बिल्डिंग हैविंग वॉल्स डिफरेंट विड्थ इज मेजर, किस में मेजर करते हैं डीपीसी को, सबको पता होगा मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, तो इस तरीके से यूज करते हैं, तो मीटर स्क्वायर में ही सब लोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे 28 क्वेश्चंस जो मैंने इस सीरीज में कनेक्ट किया, इसके लास्ट में एक साथ सबके आंसर दिए हुए हैं, आप इस सबके आंसर देख सकते हो। और दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था एसएससी जेई के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे, क्या आपको और वीडियोस चाहिए एसएससी जेई के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, हाँ जी आपको चाहिए, तो मैं और भी क्वेश्चंस इसमें रिसर्च करके जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बता के लेके आऊँगा आपके लिए। और मेरे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इनके बीच में बताया, जैसे मैंने डेंसिटी के बारे में बताया है, ये स्कोट के बारे में बताया, उनको भी प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो ये सॉल्व पेपर में जो क्वेश्चन आए थे मैंने उनको लिखा हुआ है, क्या आप चाहते हो कि और ज़्यादा ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर सको, तो उसके लिए नीचे कमेंट करो, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बना के आपको दे सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको दोस्तों को भी शेयर करना, जैसे कि व्यूज़ आए तो मुझे भी लगे यार बनाना चाहिए, लोगों को चाहिए। अगर आपको चाहिए तब कमेंट करते हो, तो मैं उस पर रिसर्च करके नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।